हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो खजाना वंस अगेन विद अ डिलीशियस यमी केक जो आप देख रहे हैं। यस, ये हमारा स्पॉन्जी वनीला केक जो आज हम बनाएंगे। तो आप लोग मेरे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नई नई रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी टिप्स भी मिल सके जो मैं वीडियोस के बीच बीच में देती रहती हूँ, जिससे आपकी डिश भी परफेक्ट बने। और हाँ, वीडियो के एंड में वीडियोस के एंड स्क्रीनशॉट्स होते हैं जहाँ पर मेरे और भी रेसिपी वीडियोस होते हैं जो आप व्यू कर सकते हैं फॉर मोर रेसिपीज। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए केक का स्पॉन्ज बनाना हम शुरू करते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 1.5 कप मैदा जनरल पर्पस फ्लोर, 4 eggs, 1 cup grinded sugar, 1/2 cup milk, 1 teaspoon vanilla essence, 1.5 teaspoon baking powder, 1 pinch salt, 1/2 cup oil. Oil fragrance free ही लें आप तो ज़्यादा better होगा। सबसे पहले हम eggs को break कर लेते हैं और एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसको बीटर से बीट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड कर देते हैं। 1/2 करके हम ऐड करेंगे। 1/2 हल्का सा स्पैचुला से मिक्स करने के बाद बीटर से बीट करेंगे। बाकी बचा हुआ 1/2 शुगर पाउडर ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए बीट किया। कितना फ्लफी ये हो गया है और लगभग डबल इसका क्वांटिटी हो गई है। इसी स्टेज तक हमें इसको बीट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन स्टेप इसका यही है। इस स्टेज में हम इसको लेके आएंगे, उसी के बाद हमारा केक बहुत स्पॉन्जी बनेगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये डबल फ्लफी हो गया है। अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है, इसी तरह इसका फ्लफीनेस होना चाहिए। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर से 4-5 सेकंड के लिए बीट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैदा, 1 pinch सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर छान लेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो इससे स्पॉन्जी केक बनेगा और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एयरी हो जाएगी। अब हम इसको स्पैचुला से बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी हमें इसको स्पीड में नहीं करना है। इस तरह से मैंने एक बर्तन लेकर के उस पर एक स्टैंड रख के और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस कंटेनर को, इस बर्तन को हम गर्म करेंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। प्री हीट कैविटी बनाना है हमें। ये देखिए, अभी बैटर हमारा थिक है। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं। बाकी बचा हुआ मिल्क भी ऐड कर देते हैं। अब लास्ट में हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, केक का बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसको एक कंटेनर में शिफ्ट करते हैं। ये कंटेनर मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें बटर पेपर लगा दिया है और हम साइड्स में भी बटर पेपर लगाएंगे। अब हम केक का बैटर इसके अंदर पोर कर देते हैं और इसको 2-3 बार इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं। और अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। अब लिड हटा के हम अपनी कैविटी को देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से हीट हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना टिन रख देते हैं। बहुत ध्यान से, टिन गर्म है और लिड को हम अब कवर कर देते हैं। मिनिमम 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ेंगे। बिल्कुल हमें लिड खोल के नहीं देखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज जो केक हमारा फूलेगा वो वापस बैठ जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल 30 मिनट के लिए इसको नहीं खोलना है। सिर्फ ऊपर से ही हम उसको ऑब्जर्व करेंगे।
ये देखिए, मैंने इस होल में एक इस तरह से कागज को रोल करके रख दिया था ताकि हीट बाहर ना निकले। अब हम चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं। एक बार मैंने बीच में चेक कर लिया था, तब नहीं पका था। अब मैं ये नाइफ अंदर इस तरह से प्रिक करके देखती हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से क्लीन है, यानी कि केक पूरी तरह से पक चुका है, परफेक्टली कुक्ड है। अब हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। केक को अब हमने यहाँ निकाल लिया है। अब हम इसको, अभी बहुत गर्म है, इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। लगभग आधा से एक घंटा हमें वेट करना होगा, अदरवाइज अगर हम गर्म में ही इसको तोड़ेंगे, इसके लेयर्स बनाएंगे तो वो टूट सकते हैं, इसलिए हम इसको कम्प्लीटली कूल करने तक का वेट करेंगे। तो अब हमारा केक ठंडा हो गया है, अब हमें इसको यहाँ से डीमोल्ड करना है। इसके लिए मैं इसकी साइड्स को पहले फ्री कर देती हूँ इस तरह से नाइफ की मदद से। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा करके इस तरह से इसको डीमोल्ड करेंगे। अब हमें इसको हटाना है धीरे धीरे। ये देखिए, केक का स्पॉन्ज मैंने पूरी तरह से बटर पेपर हटा के क्लीन कर लिया है, और ये अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना थिक केक बना है हमारा, ये देखिए। अब हम इसको 3 लेयर्स में कट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो चलिए, अब हम सबसे पहले ऊपर का जो ये राउंड एरिया है इसको अलग कर देते हैं कट करके। अब ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है ताकि हम जब इसका आइसिंग करेंगे तो फ्लैट एरिया हमें मिल जाए। अब हम इसके भी 3 लेयर्स कर देते हैं। ये देखिए, मैंने स्पॉन्ज को इस तरह से 3 लेयर्स में कट कर दिया है। ये देखिए इतनी इतनी थिकनेस है हर लेयर की। सबसे लोअर लेयर है और ये मिडिल है, और ये देखिए इस तरह से इतनी इतनी थिकनेस की मैंने लेयर्स कट कर ली हैं। अब हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 1/2 कप शुगर ऐड किया है इसी मेजरमेंट से, और इसी मेजरमेंट से मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। ये 1.5 कप पानी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको इस तरह से स्टिर करते हुए चलाएंगे जब तक कि पूरी शुगर मेल्ट नहीं हो जाती है। शुगर पूरी मेल्ट हो गई है और हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा होने तक का वेट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सनराइज बेकरी वाली व्हिप्ड क्रीम ली है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको यूज़ करने से पहले, हमें जब भी मार्केट से इसको परचेस करना हो तो हमें इसको हमेशा परचेस करने के बाद फ्रीज़र में ही रखना चाहिए, और जब यूज़ करना हो तो आधा घंटा पहले इसको हमें बाहर निकालना होता है। तो बस मैं इसको आधे घंटे पहले बाहर निकाल चुकी हूँ। अब इसकी क्रीम को हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट करते हैं। जितना आपको चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और वापस से इसको पैक करके मैं अभी आपको बताऊँगी कि किस तरह से पैक करना है, और वापस से हम उसको रख सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। मैं लगभग यहाँ पे 2 कप के बराबर व्हिप क्रीम लेने वाली हूँ, क्योंकि केक को पूरा डेकोरेट करने के लिए लगभग 2 कप तो ज़रूरी होगा। क्रीम हमने निकाल ली है, अब हम इसको पैक कैसे करेंगे, ये जैसे जिस तरह से ये फोल्ड हो रहा है उसी तरह से फोल्ड रखना है, कम पैक हो जाएगा, बिल्कुल एयरटाइट होगा ये। तो बस अब हम इसको फ्रीजर में वापस रख देते हैं। चलिए, अब हमने बीटर लिया है और बीटर से हम इसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टेज पे बीट करेंगे, फिर सेकेंड मोड, फिर थर्ड मोड। अभी हमें ये थोड़ा और बीट करना है, अभी पिक्स बने नहीं हैं प्रॉपर। ये देखिए, थोड़ा सा और बाकी है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए हम एक बार और बीट कर लेते हैं, लास्ट बीट। ये देखिए, परफेक्ट पीक्स आ गए हैं। ये देखिए, ये ऐसे आप झाड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, इसका मतलब परफेक्टली बीट हो गई है क्रीम। देखिए, मैं इस तरह से बीटर को कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं गिर रहा है, यानी कि बीटिंग अच्छे से हो गई है। एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, कैसे हम इजीली इसको बिल्कुल क्रीम के विदाउट क्रीम इसको निकालेंगे, उसके लिए हम इसको अंदर ही इसको एक बार ऑन करेंगे। तो
और ये देखिए इस तरह से एक मैंने प्लेट लिया है, मैंने यहाँ पे इसको टेपिंग कर दी है ताकि जब हम टर्न करें आइसिंग करते वक्त तो ये दोनों डिटैच ना हो। इस तरह से हम इसका टर्न टेबल की तरह यूज करेंगे। चलिए अब मैंने एक ये इस तरह से एक बेस लिया है जिसपे हम लोग केक को रखने वाले हैं। चलिए केक को आइसिंग करना शुरू करते हैं। थोड़ी सी क्रीम लेंगे हम और इसको इस तरह से बीच में रखेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों का बेस दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएं और जब हम डेकोरेट करें तो यहाँ से डिटैच ना हो। अब जो शुगर सिरप हमने रेडी किया था अब हम थोड़ा थोड़ा इसके हर एरिया में इस तरह से स्पॉन्ज पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब हम इस पे क्रीम लगाएंगे तो यहाँ पे ऊपर हमें क्वांटिटी में क्रीम चाहिए काफ़ी, तो मैंने एक कोन रेडी किया है इस तरह से। ये कोन मैंने जो रेडी किया था इसके अंदर मैंने क्रीम फिल कर दी है और इसको काफ़ी मोटा मोटा थिक थिक हम निकालेंगे। सेकेंड लेयर पे भी मैंने क्रीम लगा दी है। चलिए अब इसको भी हम ऊपर थोड़ा सा थिक लेयर लगाएंगे। इस तरह से साइड्स में भी हम क्रीम लगाते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको क्रीम से कवर किया है और मैंने ये जो हमारा पीलर होता है पोटैटो पीलर पूरा घुमाते हुए और इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इस व्हाइट क्रीम को हम पिंक कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास ये रेड फूड कलर है, उसमें हम 5-6 ड्रॉप्स गिरा देते हैं फिर चेक करते हैं कि कितना पिंक कलर आता है। एक दो ड्रॉप और डाल देती हूँ। देखिए क्रीम पूरी पिंक हो गई है। इस तरह से मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है इस तरीके से। जैसा बार बार हमें नया कोन बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हम इसको सेट करते हैं। मार्केट में ये सब इजीली अवेलेबल है, क्रीम फिल करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा कीप जैसा शेप बना लिया है पिंक क्रीम का। अब हम इससे फ्लावर्स बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम फ्लावर्स बनाते हैं। मैंने 5-स्टार नोजल ही लिया है अभी भी। चलिए मैंने कुछ चेरीज भी लिए थे, अब हम चेरीज को इस तरह से इस पे लगाते जाते हैं एक एक। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नई नई रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट रेसिपी वीडियो। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।